डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ FIR। हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है। वे घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफी उन्हें मांगनी होगी। सरकार ने अमेजोन प्राइम से मांगा जवाब। बीजेपी ने बताया तांडव में हुआ धार्मिक अपमान। अब तक हम संयम बरतते रहे, पर आने वाले भविष्य में यदि फिल्म जगत के लोग हिंदू देवी देवताओं को या किसी भी धर्म की आस्थाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारने की आवश्यकता है। सैफ करीना के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जीशान अली को ये समझना चाहिए कि बजरंग बली के आगे जीशान अली की नहीं चलने वाली है। राम के भक्त बड़े हैं, बढ़ेंगे। राम में और शिव में अंतर करके न देखें, एक दूसरे के पूरक हैं। तांडव, जिसके नाम पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक तांडव शुरू हो चुका है। वेब सीरीज की स्टार कास्ट के खिलाफ एक्शन की मांग में कोहराम मचा है। सीरीज में यूं तो कई सीन हैं जिन पर लोगों को आपत्ति है, लेकिन एक सीन है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है। शो में मोहम्मद जीशान अय्यूब का किरदार एक छात्र नेता का है जो विवेकानंद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। एक सीन में जीशान को एक प्ले करते हुए दिखाया गया है जहां वो शिवजी बने हैं। हाथ में त्रिशूल लिए जीशान से नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोवर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें भी कोई नई स्ट्रेटजी बनानी होगी। इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जीशान अय्यूब कहते हैं, क्या करूं मैं, तस्वीर बदल दूं क्या? इस पर मंच संचालक कहता है, भोलेनाथ आप तो बहुत भोले हैं। इसी मंच पर आगे जीशान अय्यूब नारद मुनि बने एक्टर से पूछते हैं, आजकल हमारी पॉपुलैरिटी कम क्यों हो रही है? नारद मुनि जवाब देते हैं, प्रभु कुछ सेंसेशनल सा ट्वीट कीजिए। जीशान जवाब देते हैं, जैसे कॉलेज के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए हैं, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इस पर स्टूडेंट्स हूटिंग करते हैं। फिर जीशान का किरदार आजादी के मायने समझने की कोशिश करता है, पूछता है किस चीज से आजादी चाहिए। जवाब मिलता है, भुखमरी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। वेब सीरीज का यही वो पार्ट है जिस पर कोहराम मचा है, जिसमें लोगों को लेफ्ट का एजेंडा भी दिखाई दे रहा है और देवी देवताओं का अपमान भी नजर आ रहा है। जिस दिन से शो रिलीज हुआ है उसी दिन से ट्विटर पर बॉयकॉट तांडव ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही एक और विवादित डायलॉग कॉलेज का एक युवा लड़की से कहता है, जब एक छोटी जाति का लड़का ऊंची जाति की लड़की को डेट करता है ना, तो वो बदला ले रहा होता है सदियों के अत्याचारों का सिर्फ एक उस लड़की से। तांडव के विरोध में सैफ अली खान के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आदि पुरुष में लंकेश का रोल प्ले कर रहे सैफ ने जब से सीता हरण पर स्पष्टीकरण पेश किया है, तभी से उन्हें ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अब उनकी तांडव पर घमासान शुरू हुआ। मुंबई में सैफ अली खान की बिल्डिंग की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सिनेमा के बीते दौर में ऐसी कई फिल्में हैं जिन पर विवाद हुआ और बिना प्रमोशन के ही सुपर डुपर हिट हो गई। आमिर खान की पीके से लेकर रणवीर सिंह की पद्मावत तक जिन जिन फिल्मों पर विवाद हुआ है उनकी कमाई में तगड़ा उछाल आया है। जिसके बाद कई बार सवाल उठता है, क्या फिल्मों में विवादित सीनों को इसीलिए डाला जाता है ताकि फिल्मों को बिना प्रमोशन के कामयाब बनाया जा सके? क्योंकि जब भी किसी फिल्म पर विवाद हुआ है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है, और यही तांडव के साथ हो रहा है। एक तरफ विवाद बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ तांडव को सफलता मिलती जा रही है।